ले चलिए, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। राजन, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ चाहती हूँ। क्या चाहिए? थोड़ा दूध। राजन, इस पात्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूध। क्या दूध के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं। पर मुझे तो मक्खन भी दिखाई दे रहा है, क्या आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? नहीं। पर राजन, क्या इसमें मक्खन नहीं है? है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मक्खन के कण कण में घी है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि के कण कण में भिन्न भिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध से मक्खन पाने के लिए उसे मथना जरूरी है, उसी तरह वेदांत के श्रवण, वेदांत का मनन और उसके निहितार्थ पर निरंतर ध्यान के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। राजन, क्या आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया? मैं मान लेता हूं, पर वो किसे देख रहा है, किस ओर देख रहा है? क्या मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती मिल सकती है? राजन, ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रकाश की ये लौ कहां देख रही है, किसे देख रही है? ये सभी को देख रही है, सभी और देख रही है। राजन, जिस तरह इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी तरह ईश्वर की चेतना चारों ओर फैली हुई है, और उसी चेतना के कारण हम चलते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। जैसे ये प्रकाश सभी ओर देख रहा है, वैसे ही ईश्वर सभी ओर देख रहा है। अब आपका तीसरा प्रश्न। वो इस समय क्या कर रहा है? राजन, इस समय मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य, पर मैं खड़ी हूँ और तुम बैठे हो। यदि अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना आसन देना होगा। राजन, ये रहा तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। कुछ देर पहले आप सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवाने का विचार कर रहे थे, इस समय आप ईश्वर के बारे में फिर से विचार करने लगे हैं। आप मेरे स्थान पर खड़े हैं और मैं आपके सिंहासन पर बैठी हूँ। इधर एक राजा को सामान्य नागरिक का स्थान और एक सामान्य नागरिक को राज सिंहासन दे सकता है, ये आप देख रहे हैं। आप मेरे स्थान पर और मैं आपके स्थान पर बैठी हूँ। ईश्वर इस समय ये करवा रहा है, उस अनंत और असीमित शक्तियों के स्वामी जिसने ये सुंदर, अद्भुत, विस्मयकारी और महान संसार रचा है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थिर और गतिमान है, जिसके कण कण में एक व्यवस्था है, ऐसे शब्दों और ज्ञान से परे ईश्वर के लिए क्या संभव है? कहिए राजन, क्या मंदिरों से मूर्तियां हटवाई जाएं? मूर्तियां तो उस ईश्वर की प्रतीक है, उनका मूर्त रूप है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर सर्वत्र है। किसी ने उसको पत्थर में पाया, किसी ने पेड़ों में, किसी ने शब्दों के माध्यम से, तो किसी ने प्रार्थना करके। वही परमात्मा अनेक नाम, रूप और गुणों में व्यक्त होता है, और कोई उन्हें अरूप और निर्गुण आत्मा के रूप में जानते हैं। ईशास्मद्वातः पवते ईशोदेति सूर्यः
निशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति